खबर बलिया से है, जहां रसड़ा विकासखंड के अंतर्गत फिरोजपुर में सामुदायिक शौचालय 2020 में बना था, जो कि आज भी अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है। हमारी संवाददाता द्वारा लोगों से बातचीत करने पर बताया गया कि प्रधान व सेक्रेटरी रविंद्र नाथ यादव ने मिलकर पैसा खा गया, जिसके कारण फिरोजपुर गाँव का शौचालय आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। बलिया से गोविंद कुमार की खास रिपोर्ट। परिचय बता दीजिए। सुनील कुमार राजभर। अच्छा, ये शौचालय ये कब का बना है? 2020 में। 2020 में बना है जी। अच्छा, कौन से प्रधान के कार्यकाल में बना है? रामचंद्र राजभर। रामचंद्र, तो ये चालू है कि बना? चालू नहीं हुआ है। अंदर कुछ नहीं लगा है? कुछ नहीं लगा है, सिर्फ दीवार लग रहा है। सिर्फ दीवार? दीवार। तो ये बताइए, पिछले प्रधान का क्या नाम बताए? रामचंद्र राजभर। रामचंद्र राजभर। आज के डेट में कौन प्रधान है? राजेश कुमार राजभर। तो ये प्रधान जी से आप लोग नहीं कहते हैं कि शौचालय को चालू करें? इतना कहें कि वीडियो साहब को दरखास्त दिए हैं, अब तक लोग कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इसके बारे में कहीं ऊपर शासन प्रशासन के अधिकारी को आप लोग बताए हैं? 76 पर फोन किए हैं। तो क्या उधर से उत्तर मिला? नोटिस आया तो नोटिस में कोई हमको सूचना नहीं मिला है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब लिख कर अपने से लिख कर भेज देते हैं। अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं? सफाई कर्मी 6 महीने से नहीं आ रहा है गांव में। अच्छा, सफाई कर्मी कितने नियुक्त हैं आपके गांव में? कितने सफाई कर्मी यहाँ? सिर्फ एक आदमी है। एक है, वो भी नहीं आता? नहीं आता है। 6 महीने पर आता है। आपका परिचय जानना चाहूँगा। हरिकेश कुमार। हरिकेश कुमार, आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के। तो ये शौचालय बना हुआ कितने दिन हो गया? शौचालय 2 साल हो गया। 2 साल हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ? चालू नहीं हुआ। तो ये जो नए वाले प्रधान है, इनसे आप लोग इस शौचालय के बारे में कुछ नहीं कंप्लेन किए? कंप्लेन नहीं किए। बताए नहीं कि इसको चालू कराइए? नहीं, चालू कराने के लिए नहीं बोले हैं प्रधान से। इसका पैसा क्या बता रहे हैं आप? वीडियो सेक्रेटरी और प्रधान का पैसा सब खा गए हैं। अच्छा अच्छा जी, इसके वजह से अधूरा पड़ा हुआ है? पूरा अधूरा है। अधूरा जो है ना, वो है ना कमाओ जो नहीं कहता लोग, है ना बतिया बा। अच्छा अच्छा, यानी आपको भी कष्ट है ना कि? हाँ कष्ट बटले बा, मंडन के कोनो काम कर ले।